बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानब, जो इन्होंने ये हरिपुर से बकरियों वालों ने पूछा। हाँ जी, क्या सवाल बकरी है? कमजोर भी हड्डियां नजर आ गया नसियां, वो जान नहीं चाह रही थी ना, तो ये चीज जरूरी नाल नोट करके मिल। जी, बकरी जड़ी कमजोर है और जान नहीं चाह रही, ओनू बेहतर है कि ओदी पहला डीवर्मिंग करो और उस तो बाद ओनू खुराक जड़ी होंगी है, इनू असी आखने मतवाजन वंडा। तुसी मतवाजन वंडा, मेरे बहुत सारे फार्मूले ने, सस्ते फार्मूले, उन्हां विच देख लो और वंडा इनू पूरा दियो, खुराक दियोगे तो इंशाल्लाह ताला ये मोटी ताजी हो सी। और नाल इनू अगर तुसी टीके लाना चाहो तो MEY कॉम दे टीके, दो दो CC दा ला दो, 4-5 दिहाड़े लाओ, देखो इंशाल्लाह ताला जान पकड़ेगी। बस यही है, इन्हों का हाजमा शाजमा भी ठीक होना चाहिए। दूसरा इन्हों की वैक्सीनेशन का, तो मैं पहला ऑलरेडी पूरा शड्यूल 2 बार दे चुका हाँ, तो हूँ फिर मंगते हो तो तीसरी बार भी देने वास्ते हाजिर हाँ। लेकिन एक बेहतर है कि तुम इन्हें अमल करो और इंशाल्लाह ताला इसकी खातर अच्छी करोगे। तो अगर छोटी पाठ टाइप है तो उन्होंने 4 किलो सबसे चारा रोजाना देता है, अगर वड्डी बकरी है तो 8 किलो रोजाना इन्हें खाना होंगे सबसे चारा। तो जे अगर ये जड़ी बकरियां होंदिया ने टैडी, वो भी उन्हों की रिक्वायरमेंट भी जड़ी है 4 किलो रोजाना उन्होंने वंडा देता है, वंडा नहीं इनू पट्ठे पाई देने। वंडा इन्हों जो देना है वो छोटिया बकरियां या पट्ठा 400 ग्राम, तो जड़ी वड्डी बकरी है उन्होंने 1/2 किलो यानी 500 ग्राम। वो फार्मूले देखोगे, वो अमल करो, इंशाल्लाह ताला फलाह ही फलाह पाओगे। दुआवां च याद रखो, फी मान ला।